एकल अभियान अंचल कार्यालय राणा सिटी निकट रामपुर तिराहे में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम झंडा फहराया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत सरस्वती वंदना के साथ देशभक्ति गीत सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों द्वारा किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अंचल समिति अध्यक्ष श्रीमान अमित गुप्ता, अंचल समिति सचिव रविकांत, अंचल समिति उपाध्यक्ष मनोज कंसल, युवा समिति अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप राणा व जिला पंचायत सदस्य श्रीमान प्रवीण कुमार, प्राथमिक शिक्षा समिति जिलाध्यक्ष बहन पूजा द्विवेदी, गीता ठाकुर, शेखर चौधरी, आशीष सैनी, सहदेव भूषण, प्रताप ब्रजेश कौशिक आदि उपस्थित रहे। जी बाबू जी, शुरू से बोलो। अंचल अभियान प्रमुख नवहर विश्वकर्मा, मैं एकल अभियान के माध्यम से हम यहाँ आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है और अपनी संस्कृति को जागृत करने के लिए यहाँ बच्चों का अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर एकल अभियान के माध्यम से अंचल लक्ष्मी नगर द्वारा यहाँ पर हमारे बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम कराया जा रहा है। इसमें सभी को देशभक्ति के गीत, डांस, बच्चों को नई नई शिक्षाएं देने का कार्य कर रहे हैं और इस उपलक्ष में सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करने की प्रेरणा दी जा रही है। धन्यवाद। आज क्या प्रोग्राम है? जी, मैं पूजा द्विवेदी, जिला अध्यक्ष एकल विद्यालय अभियान प्राथमिक शिक्षा समिति मुजफ्फरनगर। आज यहाँ पर एकल विद्यालय अभियान के मुजफ्फरनगर के कार्यालय पर बच्चों का, आचार्यों का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिसमें सभी बच्चे और पूरा आचार्य वर्ग सम्मिलित हुआ और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर सभी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति दी। एकल विद्यालय अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल तक नहीं आ सकते हैं, हम उन तक जाते हैं, विद्यालय उन तक जाता है। जिनकी पढ़ाई छूट जाती है या जो नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और हमारे अपने सत्य सनातन धर्म के विषय में बताया जाता है कि धर्म को भी मानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए एकल विद्यालय अभियान हमारे धर्म और संस्कृति से संबंधित है और हमारी शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य शिक्षा, धर्म शिक्षा और नैतिक शिक्षा और आरोग्य शिक्षा दी जाती है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए आरोग्य शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है, प्राकृतिक शिक्षा भी दी जाती है और यहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाया जाता है और उनकी शिक्षा को, अधूरी शिक्षा, जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, उन बच्चों की पढ़ाई पूरी कराकर और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।